सर प्रथम तो मैं बड़हरिया के पावन धरती को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जो है इंडिया टॉपर एक समय था कि सुबहानी साहब ने निकला था, यह बड़हरिया धरती का देन है। मैं इस धरती को भी नमन करता हूँ और बिहार साइंस में टॉपर जो है हमारे मृत्युंजय कुमार जी निकाले हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुबहानी साहब के बाद सेकेंड सुबहानी साहब हमारे मृत्युंजय जी का भी नाम रोशन किया, सिवान का भी नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे बधाई देने के लिए, और बहुत खुश है क्योंकि मेरे वजह से आज विधायक जी भी आए हुए हैं और सुबह से ही लोगों का तांता बढ़ता ही जा रहा है कि लगातार लोग मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। कि पहला कि जो साइंस विषय है वो काफ़ी फोकस का विषय है, यदि हम हल्ला में पढ़ेंगे या फिर हमारा ध्यान भटकेगा तो हम उसे फोकस करके नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए पूरे फोकस से पढ़ें, पूरे लगन से पढ़ें। और दूसरी बात कि टीचर की बातों को ध्यान से बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399-43151। बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट आ चुके हैं और आपको बता दें कि सिवान का एक लड़का है जिसका नाम है मृत्युंजय कुमार और साइंस में बिहार टॉपर बना है, जिसको लेकर आपको बता दें कि बड़हरिया के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और बड़हरिया के कोयरी गांव का रहने वाला यह युवक साइंस, आपको बता दें साइंस में टॉपर बना है, 481 नंबर आए हैं 500 टोटल नंबर में। और इस वक्त जो बड़हरिया के विधायक हैं राजद विधायक बच्चा पांडे पहुँचे हुए हैं और इन्होंने सम्मानित करने का काम किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे बच्चा पांडे पहुंचे हैं और सम्मानित कर रहे हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे और साथ ही साथ मृत्युंजय कुमार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इसके लिए क्या कुछ उन्होंने मेहनत किया है और आगे क्या कुछ करना चाहते हैं। पहले विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, अभी आप कोरिगावा पहुँचे हुए हैं, चूँकि आपका क्षेत्र है और आपके क्षेत्र का लड़का इतना बिहार टॉपर बना है, कैसा लग रहा है? सर प्रथम तो मैं बड़हरिया के पावन धरती को प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जो है इंडिया टॉपर एक समय था कि सुबहानी साहब ने निकला था, यह बड़हरिया धरती का देन है। मैं इस धरती को भी नमन करता हूं और बिहार साइंस में टॉपर जो है हमारे मृत्युंजय कुमार जी निकाले हैं, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सुबहानी साहब के बाद सेकेंड सुबहानी साहब हमारे मृत्युंजय जी जरूर होंगे और बड़हरिया का नाम रोशन करेंगे और साथ में आने वाले समय में हमारे मृत्युंजय जी का जो विचार है, जो छोटा स्कूल से, गांव के स्कूल से और छोटा शहर के स्कूल से पढ़ के और बिहार टॉपर में निकले हैं, इनके माता पिता का भी योगदान है, मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ और यह जरूर बड़हरिया का नाम रोशन करेंगे। और हम चाहेंगे कि बड़हरिया के तमाम जनता आपके चैनल के माध्यम से जो जानते हैं चाहे सुन रहे हैं, अपने बच्चे को भी इसी तरह सुमानी साहब जैसा और मृत्युंजय कुमार जैसा बनाने का प्रयास करें ताकि हमारे बड़हरिया का मान सम्मान बढ़े, सिवान जिला का मान सम्मान बढ़े, हमारे समस्त बिहार का मान सम्मान बढ़े। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी काफ़ी माना जाता है बिहार में, फिर भी जो यहाँ के लड़के हैं काफ़ी होनहार है, टैलेंटेड है और लगातार मेहनत करते हैं, इसको लेके क्या सुधार की जरूरत है लग रहा है आप, क्योंकि विधायक हैं और सुधार होना चाहिए शिक्षा में? देखिए, शिक्षा तो जीवन जीने का एक कला प्रदान करती है, शिक्षा सर्वोपरि है। हमको अगर जीवन जीना है तो हमको शिक्षा चाहिए, कोई वर्ग का लोग हो, कोई समाज के लोग हो, शिक्षा में किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और बिहार में जो 17 महीना हमारी सरकार ने जो शिक्षा पर जोर दिया, बीपीएससी पास करा के शिक्षक को बहाली करना, उच्च शिक्षा प्राप्त कराना, हमारा मानना है कि जब शिक्षक शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे बच्चे को शिक्षा देंगे। तो यहाँ जो गुरु है, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में या पहले वाली भाषा में गुरु का दर्जा देते हैं, उनको गुरु का ज्ञान होना चाहिए कि हम बच्चे को कैसे शिक्षा दें, कोई बेहतर शिक्षा दे पाएंगे।
हाँ बेहतर शिक्षा दे पाए, कैसे ज्ञान माने उच्च ज्ञान ही शिक्षा का आधार होता है। जैसे हम लोग हिंदू समाज में भी कहते हैं विद्या ददाति विनयम, या विद्या एक श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वही नाम रोशन करेगा। मृत्युंजय जी बहुत बहुत बधाई आपको न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से भी, और अभी आपने पूरे बिहार में टॉप करके पूरे बढ़िया का भी नाम रोशन किया, सिवान का भी नाम रोशन किया है, क्या कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे बधाई देने के लिए, और बहुत खुश है क्योंकि मेरे वजह से आज विधायक जी भी आए हुए हैं, और सुबह से ही लोगों का तांता बढ़ता ही जा रहा है कि लगातार लोग मुझे बधाइयाँ देने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए मैं इस सफलता का श्रेय तो अपने माता पिता और पेरेंट्स के साथ साथ टीचर्स को देना चाहूँगा, चाणक्य स्टडी सेंटर, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। सर कैसे पढ़ाई करते थे? क्योंकि जब कोई टॉप करता है या अच्छा रैंक लेकर आता है तो लोगों को लगता है कि कुछ अलग करता होगा ये, तो बाकी लड़कों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आने वाले दिनों में एग्जाम देंगे? जी उनको जो आने वाले दिनों में जो भी छात्र जो परीक्षा देने वाले हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पहला कि जो साइंस विषय है वो काफ़ी फोकस का विषय है, यदि हम हल्ला में पढ़ेंगे या फिर हमारा ध्यान भटकेगा तो हम उसे फोकस करके नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए पूरे फोकस से पढ़ें, पूरे लगन से पढ़ें, और दूसरी बात कि टीचर की बातों को ध्यान से सुनें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें, और लगातार टेस्ट दें, क्योंकि हमारे चाणक्य स्टडी सेंटर में भी लगातार शिक्षकों द्वारा टेस्ट लिया जाता था, अगर उसमें मार्क्स मेरा कम भी आता था तो मेरे घर पर भी कंप्लेन जाता था कि 2 नंबर 3 नंबर कट गया है, तो मेरी कोशिश रहती थी कि यदि एक बार गलती हो जाए तो वो गलती दोबारा ना हो, और साथ ही साथ एक गोल सेट करके पढ़ना वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। सर भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं? सर भविष्य में मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। जी सर। चलिए तो मृत्युंजय कुमार से बात हो रही थी, भविष्य में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, और आपको बता दें कि जब से ही ये खबर आई है कि बिहार टॉपर है मृत्युंजय कुमार, तभी से ही लगातार जो बढ़िया क्षेत्र में उनका घर है कोरीगांव में, उनके घर पे काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं और लगातार उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, और भी कई सारे लोग इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मृत्युंजय बाबू को, मेरे गाँव के हैं, मेरा भी गाँव यही है, मैं मृत्युंजय बाबू को कोटि कोटि बधाई दे, बढ़िया की ये पावन धरती ने जिस लाल को जन्म दिया है, आज इससे पूरे बिहार में पूरे सिवान में हम लोग हर्षोल्लास के साथ गर्व महसूस कर रहे हैं। हम अपनी ओर से और ख़ास करके बढ़िया प्रखंड क्षेत्र संख्या 18 जिला परिषद के तमाम लोगों की ओर से मृत्युंजय बाबू की लंबी उम्र की कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि मृत्युंजय बाबू के नेतृत्व में जो इन्होंने सपना देखा है और भी हमारे ग्राम पंचायत आज कोरीगांव का नाम रोशन होगा, और साथ में इनके माता पिता को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा जब बच्चे अच्छा करते हैं कुछ और बढ़िया रिजल्ट आता है तो कहा जाता है उसमें माता पिता का भी योगदान बहुत ज़्यादा है। मृत्युंजय कुमार के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मृत्युंजय जी कैसे तैयारी करते थे, क्या कुछ कहेंगे सर? तैयारी करने के लिए सर चाणक्य कोचिंग के जो दिवाकर सर थे ये लोग साप्ताहिक इनका टेस्ट लेते थे, और टेस्ट में जो भी नंबर अगर 100 आया तो ठीक है, नहीं तो उसमें 1-2 नंबर कम आता था तो सर हमारे पास क्लेम करते थे, हम इनसे पूछते थे कि आखिर कमी कहाँ था कि आपका 1 नंबर चाहे 2 नंबर कट गया, आप उस गलती को ढूंढिए कि हम क्या गलती किए हैं जिसके वजह से हमारा 1 नंबर चाहे 2 नंबर कट गया, उस पर ज़्यादातर फोकस कीजिए, और हम इनके साथ डेली 1 घंटा आधा घंटा शाम को इनका मतलब कि रिपोर्ट हम लेते थे कि क्या आज कोचिंग का रिपोर्ट क्या है, क्या पढ़े हैं, ये हमारे साथ डेली शाम को इनके साथ हम बैठते थे करते थे। अच्छा आज के डेट में मोबाइल एक बहुत बड़ा समस्या माना जाता है, बच्चों के हाथ में मोबाइल आता है तो उसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं, तो क्या मोबाइल को लेकर क्या कुछ, बहुत सारे बच्चे हैं जो मोबाइल भी चलाते हैं पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि सिवान का एक लड़का जब UPSC में 7वां रैंक लेकर आया था तो हमने बातचीत की थी तो उनके फादर बता रहे थे कि मोबाइल से बिल्कुल दूर थे, तो इनका क्या कुछ परिस्थिति था? तो मोबाइल तो था इनके पास लेकिन मिसयूज नहीं करते थे, ये इनको जो क्वेश्चन फंसता था यूट्यूब चैनल से बस क्वेश्चन देखते थे, मोबाइल बंद करके साइड करते थे, इसलिए कि हम इसको इनको देखे कि ये मोबाइल का मिसयूज नहीं कर रहा है, तो हम बोले थे कि भाई अगर मिसयूज करना है तो हम मोबाइल ले लेंगे।
है ना, तो ये मिसयूज नहीं करते थे। जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं साथ में पढ़ाई करते हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनका मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि जितना अगर अच्छा मोबाइल, अच्छा भी है बुरा भी है, अगर उसको जैसा हम यूज़ करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। अगर हम बुरा चीज़ उसमें देखेंगे तो हमको दिमाग में बुरा ही आएगा, और जो अच्छा देखेंगे वो अच्छा ही मिलेगा। तो पढ़ने के लिए और समझने के लिए मोबाइल भी एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जो कि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में टीचर, जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश जो स्टूडेंट करेंगे वो आगे निकलेंगे पक्का। चलिए, तो मुकेश कुमार के पिताजी से बात हो रही थी, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है क्योंकि मोबाइल एक बड़ा बाधा माना जाता है आज की डेट में। बच्चे मोबाइल पढ़ने के नाम पे लेते हैं लेकिन उसका मिसयूज करने लगते हैं, जिसके वजह से एजुकेशन में काफ़ी पीछे हो जाते हैं। लेकिन मोबाइल का सही यूज किया जाए और सही तरीके से पढ़ाई पे फोकस किया जाए तो आप भी मृत्युंजय कुमार की तरह बेहतर कर सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज इंडिया तक। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओजी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।